फिल्मी रिव्यू के कौर नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है प्रिंस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर वेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फोट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिब्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं देखने को मिल जाते हैं। की की बात जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म्स एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन, शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्ली थे बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी होल लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और टेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो तारा में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप को फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपके इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज किप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरॉन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मजा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरों स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से भरे मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मजाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओ डी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ फ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर वेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्सन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के ख़िलाफ़ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन आस्कर बिलेता चिरलीज। थेरन, शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो ले लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसाल, मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरॉन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफ़न एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म्स एंड चाइना फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्ली थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और टेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी पड़ी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉमसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपके इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिब्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं कैरला चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑप्स कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑप्स कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो ले लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज़ रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को ख़ास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरों स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडिटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉमसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म्स एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में है डॉम का करैक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का करेक्टर मिशेल रेंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी अस्कर बिलेता चिरलीज थेरन, शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्ली थे बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियज एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी होल लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्म फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो तारा में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप को फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपके इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज किप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरॉन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मजा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरों स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से भरे मसाल, मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मजाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडिटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्म फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ फ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर वेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्सन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन, शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो ले लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से भरे मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडिटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्म में रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर वेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपके इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म्स एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए अविन्या तो की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्ली थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और टेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी पड़ी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉमसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपके इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिब्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं कैरला चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑप्स कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑप्स कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो ले लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज़ रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को ख़ास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरों स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मरगाड से भरे मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्म में रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है प्रिंस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर वेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फोट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिब्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज देखने को मिल जाते हैं। की की बात जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म्स एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी अस्कर बिलेता चिरलीज थेरन, शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्ली थे बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियज एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी होल लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और टेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्म फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो तारा में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप को फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपके इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज किप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरॉन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मजा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरों स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से भरे मसाल, मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मजाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओ डी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ फ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉमसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन, शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो ले लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मरगाड़ से भरे मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर वेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिप्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म्स एंड चाइना फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का करैक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए अविन्या तो की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्ली थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियां का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची-ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को खास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरो स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से बड़े मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और टेज़ पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी पड़ी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी के बारे में जिसको कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी भी कहा जाता है काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी द फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से इस मूवी को देख सकते हो वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन इस मूवी के फैन आज भी इस मूवी को पसंद करते हैं एंड साथ ही में बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी के बजट के बारे में बताएंगे कि, कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड साथ में आप आपको फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी की स्टोरी भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं द फेट ऑफ द फ्यूरियस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है एफ़ गैरी ग्रे ने एंड इसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस मॉर्गन ने एंड यह मूवी करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि गैरी स्कॉट थॉमसन द्वारा बनाई गई थी एंड इसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को प्रोड्यूस किया है नील एच मोटीज विन डीजल माइकल फॉट्रेल एंड क्रिस मॉर्गन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपके इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डिवाइन जॉनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैसन स्टैथन देखने को मिल जाते हैं माइकल रॉडगीज देखने को मिल जाते हैं टायरीज गिब्सन देखने को मिल जाते हैं कर्ट रसल देखने को मिल जाते हैं कैरला चार्लीज थैरोन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है स्टेफन एफ बिंडन ने एंड इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है क्रिश्चियन वैगनर ने एंड पॉल रूबर ने एंड इसके म्यूजिक की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को म्यूज़िक किया है ब्रीन टाइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म एंड चाइना फ़िल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एंड यह मूवी रिलीज़ हुई थी चौदह अप्रैल दो हज़ार सतारह को एंड इसका रनिंग टाइम 136 मिनट देखने को मिल जाता है तो टीम के बारे में तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी के बजट की बात की जाए तो यह मूवी 250 से लेकर 270 मिलियन डॉलर की बनाई गई थी एंड इसके बॉक्स ऑप्स कलेक्शन की बात की जाए मतलब कि अर्निंग की बात की जाए कि कितना बॉक्स ऑप्स कलेक्शन फास्ट एंड फ्यूरिज एट मूवी ने किया था तो वो 1.2 बिलियन डॉलर इस मूवी ने अर्न किए थे तो टीम के बारे में भी बात हो गई कि कौन सी टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी को बनाया है अब बात कर लेते कि कौन सी आपको स्टोरी इस मूवी में देखने को मिल जाती है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए कहानी की बात की है तो डॉम और लेटी अपने हनीमून के लिए क्यूबा में हैं डॉम का कैरेक्टर बिन डीजल ने निभाया है एंड लेटी का कैरेक्टर मिशेल रैंडिंग्स ने निभाया है जहां डॉम एक लोकल निवासी के साथ रेस लगाता है पुरानी कार के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी टॉम की ही जीत होती है लेकिन तभी एक रहस्यमय महिला साइ, साइफर अचानक से डॉम को मिलती है साइफर का कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन ने निभाया है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ना चाहते हुए डॉम को उसकी हर बातें माननी पड़ती हैं जिसके कारण वो अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है यहीं से शुरू होता है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एट का असली मज़ा साइफर के इशारे पर नाचते हुए भी कैसे टॉम अकेले अपनी टीम के खिलाफ लड़ता है और अंत तक जाते जाते पूरी बाजी को पलट देता है यही है फिल्म की असली कहानी यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एक्ट्रेस की बात की जाए तो अविन्या की बात करें तो बिन डीजल डेविड जॉनसन जेसन जै, जैसन स्टै, स्टैथन और हेलेन मिनरेर हमेशा की तरह फिल्म में दमदार नजर आए हैं लेकिन असली तारीफ बटोरती है इस सीरीज़ की पहली महिला बिलेन बनी आस्कर बिलेता चिरलीज थेरन शातिर और तेज साइबर एक्सपर्ट के किरदार में चार्लिस थेनस बिना ही ड्राइविंग सीट पर बैठे कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है यही देखना वाकई दिलचस्प है एक्टिंग के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी में अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो एफ गैरी ग्रे का निर्देशक बेहतरीन है इस बार फिल्म में कार रेस के बड़े कमी हो ले लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह गाड़ियों का हाहाकार तैयार किया गया है सड़कों गाड़ियों का सड़क पर तेज़ रफ्तार में दिखाई देना और ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरना ये सब देखने में लाजवाब लगता है आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिल्म कहानी को ख़ास बनाने के लिए इस बार हीरो को ही विलेन बना दिया गया है तेज़ रफ्तार गाड़ियों और डेरों स्पेशल इफेक्ट्स के आगे कहानी कमज़ोर है लेकिन आप एक मारगाड़ से भरे मसा मसाला फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग बेहद ही मज़ाकिया हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी रोमन और तेज पार्कर के बीच आने वाले डायलॉग्स का दिल जीत लेते हैं सो आ, अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस एट मतलब फ़ास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तब भी आपके लिए ही यह मूवी बनी है इसमें आपको एक्शन देखने को मिल जाता है साथ में अगर आपको कार्स का शौकीन है कार्स के शौकीन है तब भी आप इस मूवी को देख सकते हो आपको इसमें बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाती हैं सो so, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवी अपडेट्स देखना पसंद है सो so, अब बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी इसीलिए अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस एट मूवी देखना चाहते हो तो आप ओडिटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हो सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी के बजट के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम